very political party was participated, hopes that they will win. And there is nothing wrong if a very political party says, even JDS says they will win a comfortable majority to form the government. There's nothing wrong. Everybody can feel it. But on the ground reality, people has expressed that there should be change. Now it is a matter of hours which we will know the verdict of the people. And whichever verdict of the people, we will have to respect it. What is your prediction number? We are hopeful that we should get comfortable majority, more than 120. Okay. That is our prediction. Mm-hmm. Let us see. And also there is petitions and talks that Congress have a plan for Plan A, Plan B and all the things. No, we don't have any Plan A, Plan B, Plan C. The Congress, I'm sure, that's going to win. See, that plan will not arise. तो बीजेपी ने कल बात कर ली थी प्लान बी की, लेकिन कांग्रेस कह रही है ना उसके पास प्लान ए है, ना बी है, ना सी है, क्योंकि कांग्रेस कॉन्फिडेंट है एग्जिट पोल के इंडिकेशंस के बाद, और ऐसा बहुत कम होता है सभी एग्जिट पोल एक डायरेक्शन में हो, और डायरेक्शन एग्जिट पोल्स का यही है कि कांग्रेस जो है कंफर्टेबल सिचुएशन के अंदर इस वक्त कर्नाटक में है। और क्या यही होगा, क्योंकि आपको पता है जनता हमेशा चौंकाती है, जनता जनार्दन होती है, और लोकतंत्र में अगर कोई मालिक होता है तो वो जनता होती है। ऐसे में कई बार चौंकाने वाले नतीजे आते हैं, कई बार ऐसे नतीजे भी आते हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि जनता को समझने में बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, उनके बड़े बड़े रणनीतिकार भी गलती कर देते हैं। तो देखिए, हॉट एयर बैलून आपको दिखाई दे रहा है, अदर जीरो, जेडीएस जीरो, कांग्रेस जीरो, बीजेपी जीरो। अब सवाल ये है कि किसके बैलून में गैस भरेगी और किसके बैलून में हवा, यानी किसकी हवा निकल जाएगी। Zini.